नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। राजधानी लखनऊ में कमिश्नरेट पुलिस एवं एसटीएफ की संयुक्त कार्यवाही में शेयर मार्केट के चार बड़े ठगों को गिरफ्तार किया गया है। शेयर मार्केट में पैसा कई गुना करने का झांसा देकर इस ठग गिरोह के लोग फर्जी डीमैट अकाउंट खोलकर ट्रेडिंग करने के नाम पर लोगों की गाढ़ी कमाई लूटते थे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। लखनऊ के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में गिरफ्तार इन जालसाज ठगों का नेटवर्क यूपी सहित देश के कई हिस्सों में फैला था। शेयर बाजार में निवेश एवं डीमैट अकाउंट खोलकर फंड जुटाने एवं फर्जी डीमैट अकाउंट दिखाकर तथा सेबी जैसी संस्थाओं के फर्जी लाइसेंस दिखाकर इस गैंग ने देश व प्रदेश के विभिन्न स्थानों से 2500 निवेशकों के 150 करोड़ रुपयों की धोखाधड़ी कर पैसे हड़प लिए थे। ठगी का शिकार हुए विभिन्न निवेशकों की शिकायतों पर लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस एवं एसटीएफ की टीम ने जांच की तो पता चला कि सरोजनी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आजाद नगर निवासी नासिर अपनी पत्नी सलमा बानो, भाई एवं अन्य लोगों के साथ मिलकर शेयर मार्केट में पैसा कई गुना करने के नाम पर इन्वेस्टरों की गाढ़ी कमाई लूटी जा रही है। जालसाज ठगों के गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एडीसीपी साउथ शशांक सिंह ने बताया कि गैंग का सरगना नासिर अली अपनी पत्नी, भाई व अन्य लोगों के साथ वर्ष 2018 से ही कई फॉर्मों के माध्यम से धोखाधड़ी का गोरख धंधा संचालित कर रहा था। निवेशकों को किसी प्रकार का शक ना हो इसके लिए नासिर ने गूगल प्ले स्टोर पर बाकायदा फैन कैपिटल सर्विसेज के नाम से एक ऐप भी लॉन्च किया था। इस ऐप के माध्यम से निवेशकों की डिटेल लेकर उनका फर्जी खाता खोला जाता था, जिस पर निवेशकों के निवेशित रकम का ब्यौरा उनके अपने अनुसार दिखाया जाता था। खोले गए फर्जी डीमैट खातों को उसी ऐप के माध्यम से निवेशित धनराशि का लाभ दिखाया जाता था। कुछ समय बाद निवेशकों के लाभ खाते में ना दिखाते हुए उसे प्रिंसिपल अकाउंट में ऐड करना बताया जाता था। जिन खातों की देनदारी अधिक हो जाती थी उसे नासिर अली द्वारा डीएक्टिवेट कर निवेशकों को झूठी सूचनाएं दी जाती थी। निवेशकों द्वारा धन वापसी की मांग पर उन्हें सर्वर अपडेट, सॉफ्टवेयर अपडेट आदि के बहाने बताकर भुगतान को लंबित रखा जाता था। यहां तक कि निवेशकों द्वारा अपनी धनराशि की वापसी के लिए दबाव बनाने पर गैंग का सरगना नासिर अली निवेशकों को कानूनी दांवपेच में फंसाने एवं फर्जी मुकदमा दर्ज कराए जाने की धमकी तक दी जाती थी। फिलहाल पुलिस व एसटीएफ टीम ने धोखाधड़ी के इस गोरख धंधे की पोल खोलते हुए गैंग के सरगना नासिर अली, उसकी पत्नी सलमा बानो, भाई जाकिर अली सहित कृष्णानगर थाना क्षेत्र के गोपाल नगर में रहने वाले युवक सौरभ बाबू को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही के तहत जेल भेज दिया है। अभियुक्तों के कब्जे से 5 अदद सीपीयू, 4 अदद लैपटॉप, 8 अदद हार्ड डिस्क सहित एक पेन ड्राइव बरामद की गई। स्टॉक एक्सचेंज टाइप से जिसमें लोगों को फंसाया जाता था उसका खुलासा क्या है, पूरा मामला सर इसमें? देखिए, ये पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ और एसटीएफ के द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए आज एक गुडवर्क किया गया है, जिसमें आज हमारे द्वारा चार लोगों की गिरफ्तारी करी गई है। इनके नाम कुछ इस प्रकार है। इसमें एक नासिर अली है, एक जाकिर अली है, एक सलमा बानो है और एक सौरभ बाबू है। इनके द्वारा ये किया जाता था कि नासिर अली द्वारा सन 2018 में अपने भाई जाकिर अली और अपनी पत्नी सलमा बानो के साथ एक प्रोप्राइटरशिप के नाम पर एक कंपनी खोली गई, जिसका नाम रखा गया फैंस कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। इसका कंपनी का एक सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसका प्रीफेस था पूरा कि जिस सॉफ्टवेयर पे आप पैसा दे सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर बनाया गया सौरभ बाबू के द्वारा। जाकिर अली और नासिर अली द्वारा बड़ी चालाकी से अपने कंपनी का प्रचार प्रसार किया गया और इनके द्वारा ये बताया गया कि यदि आप इनकी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो कुछ समय बाद ये आपको एक तगड़ा मुनाफा देंगे। इससे आकर्षित होकर कई लोगों ने, जिनकी संख्या अभी तक प्रमाणित नहीं हुई है लेकिन हमारा द्वारा मान के चला जा रहा है जो 100 या 1000 से भी अधिक है, इनके द्वारा इनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया गया। इस आधार पे, क्योंकि नासिर अली द्वारा बताया गया कि इनकी कंपनी सेबी में रजिस्टर्ड है, जबकि इनके द्वारा सिर्फ एक फर्जी सेबी का सर्टिफिकेट दिखा के लोगों को ल्योर किया गया और अपने अकाउंट में पैसे निवेश कराए गए। इनके द्वारा ये भी बताया जाता था कि ये उस दिए हुए पैसे को इंट्राडे ट्रेडिंग एनएससी और स्टॉक एक्सचेंज पर करते हैं, जबकि इनके द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया जाता था। इनकी कंपनी के सौरभ बाबू द्वारा एक ऐप बनाई गई थी जिसका नाम फैंस कैपिटल सर्विसेज ऐप था, जिस ऐप में आपके द्वारा जितना पैसा दिया गया है वो लेजर दिखता था और उसके बदले आपको कितना रिटर्न मिलना है। नासिर अली बड़ी ही चालाकी से एक व्यक्ति का दिया हुआ पैसा दूसरे व्यक्ति को प्रॉफिट के तौर पर कुछ दिन तक देते थे और जब इनको लगता था कि अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है, ये बड़ी ही चालाकी से एडमिन राइट अपने पास होने का फायदा उठाते हुए ऐप से आपका लेजर और आपका जो भी डेटा और जितना आपका पैसा बकाया है वो गायब कर देते थे
और आपका एनरोलमेंट वहां से हटा देते थे। अभी तक हमारे द्वारा और एसटीएफ द्वारा जांच से करीब 90 ऐसे लोगों की जानकारी हमें हो पाई है जिनका पैसा फैंस कैपिटल सर्विसेज में दिया गया था और जो उन्हें अभी तक नहीं मिला है, और लोगों की जानकारी की जा रही है। प्रथम दृष्टया इनके द्वारा ये जो स्कैम किया गया है ये कई सौ करोड़ की तरफ इशारा कर रहा है। इसमें नासिर अली द्वारा चार कंपनियां और बनाई गई थी जिनके नाम थे फैंस कैपिटल सर्विसेज, अंबिया इंश्योरेंस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, अंबिया इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, फैंस वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज और IMF प्राइवेट लिमिटेड, अंबिया टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इन कंपनियों में ये सभी लोग डायरेक्टर थे और बड़े ही चालाकी से इधर से पैसा उस अकाउंट में डाल के और उधर से इस अकाउंट में डाल के साइफनिंग ऑफ करते रहते थे और मल्टी लेवल लेयरिंग के आधार पे लोगों को बेवकूफ बना के उनके पैसों का गबन कर जाते थे। जो इस अभियुक्त पकड़े गए, प्रोफाइल क्या है, कितना बड़ा लिखे क्या? ये नॉर्मल लोग हैं, ग्रेजुएट हैं ज्यादातर। जो सौरभ है जो इनका टेक्नीशियन है उसने बीटेक कर रखा है, कंप्यूटर डिजाइनिंग जानकारी रखता है और एक छोटी सी सॉफ्टवेयर मेकिंग की कंपनी चलाता है, उसी ने इनका सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया था। जो बाकी सदस्य हैं परिवार के वो भी नॉर्मल पढ़ाई लिखाई करे हुए हैं और इस बिजनेस में 2018 से। बेसिकली लखनऊ के रहने वाले हैं कि बाहर से हैं? ये लखनऊ के ही रहने वाले हैं। इसमें जो नासिर अली है ये टीपी नगर थाना क्षेत्र सरोजनी नगर का रहने वाला है, जाकिर अली न्यू गढ़ौरा थाना सरोजनी नगर का रहने वाला है, सलमा बानू नासिर अली की पत्नी है ये भी टीपी नगर में रहती है, और सारव बाबू जो है वो मूल पता जनपद बस्ती का है, हाल पता थाना कृष्णा नगर का है। पहले भी कोई भैया आपराधिक इतिहास? अभी तक इनका कोई ऐसा आपराधिक इतिहास पता नहीं चला है। इस घटना के क्रम में पुलिस द्वारा तीन मुकदमों का अनावरण किया गया है जिसमें दो मुकदमे थाना विभूति खंड में लिखे हुए हैं और एक मुकदमा थाना सरोजनी नगर में लिया गया है। जो महिला पुलिस द्वारा इसमें इनके साथ एक सीजर भी कार्रवाई करी गई थी जिसमें 5 अदद CPU, 4 लैपटॉप, 8 हार्ड डिस्क और 1 पेनड्राइव बरामद करी गई है जिसमें इनकी कंपनी से संबंधित डाटा पूरा रखा हुआ है। हम फॉरेंसिक्स की टीम का यूज करके उस डाटा को रिट्रीव करने की कोशिश करेंगे जिससे हमें जानकारी हो सके कि और भी इसमें कितना गहरा सिस्टम है इनका और क्या क्या लूपहोल्स इन्होंने बना रखे थे जिससे पैसे के गबन का कार्य किया जाता था। इनकी टीम में चारों के अलावा भी कोई और नाम प्रोग्रेस में है? अभी इस प्रकरण में जानकारी करी जा रही है क्योंकि इनके द्वारा एक ऑफिस चलाया जाता था, तो ऑफिस में सबकी क्या भूमिका है उस पर पुलिस द्वारा गहनता से जांच करी जाएगी और जैसे जैसे ये घटनाक्रम खुलता जाएगा अग्रिम विधिक कार्रवाई करती जाएगी। जो महिला है उसका क्या रोल इसमें नजर आ रहा है? ये जो महिला है ये इस कंपनी में डायरेक्टर है, इनकी पत्नी है, अकाउंट में भी इनका हिस्सा है और कंपनी की डे टू डे वर्किंग में भी इनका ध्यान रहता है, ये रोज उसको देखती भी है, तो ये एक तरह से नासिर अली की वो पूरी पार्टनर है प्रॉपर। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।